वेलकम टू होली बोर्ड। 300 MCQs इन 3 लेक्चर्स आपके लिए जो सीरीज चलाई गई है उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं आपके सामने। पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिए गए हैं, जल्दी से देख लीजिए। पीओ मेंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत कामगार साबित होने वाले हैं वो दोनों लेक्चर्स, और ये तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर मैं 300 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और लास्ट के जो 59 है जो ओली बोल्ट के अंदर हमने आपके लिए डाले हैं, वहां से आप 59 खुद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें खुद भी करनी चाहिए। 300 क्वेश्चन मैंने करवा दिए 360 में से, और नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए इतना जल्दी लेके आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए 300 MCQs 360 में से कवर करवा दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 201वां क्वेश्चन देखते हैं। 200 तक मैंने आपको करवा दिया था, जिसका आंसर क्या था, TN मनोहरण। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ESIC जो इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उन्होंने एक MOU साइन किया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू प्रोवाइड ई पेमेंट सर्विसेज डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ ऑल ESIC बेनिफिशरीज। तो आंसर है इसका SBI के साथ मिलकर इन्होंने टाई अप किया है, और ESIC के चेयरमैन आपसे पूछे जाएं तो संतोष कुमार गंगवार आपको पता होना चाहिए। विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास पूछते तो आपको याद पड़ा था कि इंडिया एंड USA के बीच में हुई है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर की थी ये एक्सरसाइज, तो आंसर आएगा 15th नंबर की एक्सरसाइज थी, और ये कहाँ पे हुई ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं इतना बता देता हूँ कि ये Washington USA के अंदर हुई थी, आप मुझे ये बताइएगा कि जगह कौन सी थी जहाँ पर ये हुई। इंडिया एंड रशिया रिसेंटली हैव सेट अप अ टारगेट ऑफ रीचिंग $30 बिलियन इन बायलेटरल ट्रेड बाय, कौन से साल तक $30 बिलियन का टारगेट अचीव करने की बात की गई है इंडिया और रशिया की तरफ से, तो आंसर है 2025। एक्लेम्ड इंग्लिश, इनका नाम बताना है आपको, जर्नलिस्ट एंड नॉवलिस्ट किरण नागरकर, चलिए नाम बता दिया गया है, अब ये कौन से फील्ड में जर्नलिस्ट थे, ठीक है, बंगाली गुजराती पंजाबी कौन से में थे, किरण गंगवार जिनकी नागरकर जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो अब इंग्लिश तो थे ही, और कौन से जर्नलिस्ट थे, अब नॉवलिस्ट बता दिया आपको, अब कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्या ये नॉवलिस्ट थे, हाँ जी नॉवलिस्ट थे, तो आंसर है आपका मराठी, ये मराठी जर्नलिस्ट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है साइन सिस्टर स्टेट MOU विद विच ऑफ द अमेरिकन स्टेट, आंसर है डेलावेयर, ठीक है। मैंने सब ट्रिक्स के साथ करवाया था, अभी मैं ट्रिक्स इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि हर ट्रिक को डिस्कस करने के लिए मेरे को पूरा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ट्रिक्स मैंने आपकी मंथली द हिंदू रिवीजन जो करवाई थी उनके अंदर डिस्कस कर ली है, और जब से मैंने मंथली द हिंदू रिवीजन बंद किया है शिल्पी मैम आपको बोल्ट कवर करवा रहे हैं, पहले भी आपके लिए बोल्ट कवर करवाया गया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी चीज़ें बंद कर दी गई, आप अगर मैंने बंद किया तो मेरे से बेटर टीचर आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए 205 का क्वेश्चन आ गया डेलावेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंकिंग इंप्रूव्ड फ्रॉम 40th to 10th, कौन सी रैंक पे पहुंच गया है ओवर 2017 ऑन वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रेवल कंपिटेटिव इंडेक्स, और ये मैंने ट्रिक के साथ आपको SSC वाले चैनल पे अभी करवा दी है, ट्रिक अपलोड कर दी है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, कौन से नंबर पे पहुंच गया है इंडिया, तो आंसर है 34th। मैंने वहाँ पे ट्रिक करवाई है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इंडेक्स जारी करती है, तो उसका ट्रिक था वी फेस्ड कॉम्पिटिशन इन टूरिज्म, तो वी फेस्ड से WEF एंड कॉम्पिटिशन से कॉम्पिटेटिव इंडेक्स टूरिज्म में। फिनमिन सेट्स अप टास्क फोर्स हेडेड बाय आइडेंटिफाई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वर्थ 100 ट्रिलियन, और ट्रिलियन में आपको पता होना चाहिए कि कितने जीरो होते हैं, इट विल बी हेडेड बाय डैश, किनके द्वारा ये हेड की गई, और याद रखिएगा अगर मान लीजिए इनका आंसर अतानु चक्रवर्ती है इनका नाम, ठीक है, तो इसको कौन सी कमेटी से नाम से बोला जाएगा, अतानु चक्रवर्ती कमेटी, और आंसर भी यही ही है, ठीक है, अतानु चक्रवर्ती कमेटी थी ये। रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड नेशनल यूथ समिट कहाँ पे हुई, नेशनल यूथ समिट हुई न्यू दिल्ली के अंदर हुई। फेमस फुटबॉलर सैमुअल, अब देखिए इसको याद कर, चलिए मैं कुछ कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। नेशनल यूथ समिट, यूथ क्या करता है, दिल की सुनता है, दिल से न्यू दिल्ली, ठीक है। फेमस फुटबॉलर सैमुअल एटो रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट, ये कौन सी कंट्री से हैं ये पूछेंगे आपसे, वरना क्या पूछता कि सैमुअल एटो कौन से प्लेयर हैं, मतलब किस खेल से संबंधित हैं, तो आंसर आएगा आपका कैमरून, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखें कि सैम के पास कैमरा है, कैमरा से कैमरून। इन फाइनेंशियल ईयर 20 NBFCs आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय विच परसेंट, विच रेंज जो आपको पूछी जाएगी एज पर रेटिंग एजेंसीज इंडिया रेटिंग रिसर्च, ठीक है,
तो अब आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट से ग्रो कर जाएगा एनबीएफसी सेक्टर, तो आंसर आएगा इसका 10-12%. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अंडरवेंट एन एग्रीमेंट विद विच कॉन्ग्लोमरेट टू सेट अप एन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन मुंबई. तो आपको पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने किसके साथ टाई अप किया है टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल IIS मुंबई. आंसर है इसका टाटा ग्रुप. और अगर आपसे पूछा जाए कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है. ये एडिशनल पॉइंट है आपके लिए. पीएम मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन, इंडिया सेकेंड रेवरिन मल्टी मॉडल टर्मिनल बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो आपसे पहला भी पूछा जा सकता है और दूसरा कहाँ पे है, ये तो न्यूज़ में है ही, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दूसरा अभी फिलहाल कहाँ पे है, झारखंड के अंदर है. पहला कहाँ पे था, वाराणसी के अंदर था. 2018 के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था. रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ लॉन्च द कैंपेन स्वच्छता ही सेवा एट, कहाँ पे स्वच्छता ही सेवा को लॉन्च किया गया, तो मथुरा के अंदर. ये स्पेसिफिकली प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने के लिए था, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए काफ़ी अभियान चलाए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO हैज रिसेंटली टेस्टेड एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी डेवलप्ड एमपेट GM. व्हाट डज फर्स्ट M डिनोट इन एमपेट GM? अगर फुल फॉर्म आपको पता होगी तो आप सब कुछ बता सकते हैं कि जी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है. तो फुल फॉर्म क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ठीक है, ये कहाँ पे टेस्ट की गई ये पूछा जाए आपसे, तो कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर की गई. ठीक है, तो M का मतलब पूछा है इसने, तो M का मतलब है मैन, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. यूनियन HRD मिनिस्टर प्रेजेंटेड CBSE टीचर अवार्ड 2018. CBSE टीचर अवार्ड दिए गए. He also launched CBSE's पोर्टल. इसका नाम क्या था पोर्टल का, ऑन दीक्षा ऐप. दीक्षा ऐप आपको पता होगा, उसके ऊपर एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम पूछ रहा है आपसे. तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अलग अलग आंसर है आपका विद्याधन. ऑब्वियसली विद्याधन ही होती है. RBI हैज प्रपोज्ड 10 crore मिनिमम कैपिटल फॉर स्मॉल बैंक्स अंडर ओन टैप लाइसेंस रिजाइन. ओन टैप मतलब इमीडिएटली अगर किसी को लाइसेंस चाहिए स्मॉल बैंक बनने के लिए, तो उसके पास कितने रुपए मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है. तो आंसर है 200 crore रुपए. रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली फाउंड एन इको फ्रेंडली वे टू डिग्रेड प्लास्टिक, तो आंसर है IIT मद्रास. ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको रट्टे मारने वाले होते हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि समझने वाली चीज़ें हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ. इंडियन सेटलर कौशल धर्मम्बर क्लिंच्ड द इंटरनेशनल सीरीज टाइटल रिसेंटली इन विच प्लेस, तो आंसर बनेगा आपका म्यांमार के अंदर. नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जन सूचना पोर्टल, ऑब्वियसली राजस्थान ही करेगा और काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो ये जरूर याद करके जाइएगा. नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च डैश टू प्रोवाइड एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टील इंपोर्ट्स टू वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स एंड इंपोर्टर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आंसर है इसका सिम्स. अब सिम्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होती है इसकी फुल फॉर्म. डैश एंड बिल डेस्क रिसेंटली पार्टनर टू रोल आउट इंटरफेस फॉर रिक्योरिंग पेमेंट्स, किसने किसके साथ मिलके किया है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो वीज़ा ने बिल डेस्क के साथ मिलके ये टाई अप किया है. द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन टेकेहिको नाकाओ, अब स्टैटिक का क्वेश्चन है ये एक तरीके से, हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने क्विट करने की बात कह दी है, मतलब रिजाइन उन्होंने डाल दिया है. तो आंसर है आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक. विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड भरोसा सेविंग अकाउंट रिसेंटली, भरोसा सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया, एयरटेल पेमेंट बैंक ने. द बोर्ड ऑफ इंडिया बैंक हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर मर्जर ऑफ डैश बैंक, तो ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से स्टैटिक का ही बन गया, क्योंकि मर्जर अभी हमारे लिए करंट मुद्दा है, लेकिन 20 साल बाद ये एक न्यूज़ मानी जाएगी कि हाँ इस टाइम ये मर्जर हुआ था, उस टाइम वो 1969 में 14 बैंक का हुआ था, 2019 में इतने बैंक का हुआ. ठीक है, तो ये मिक्स क्वेश्चन है, ये स्टैटिक भी है करंट भी है. तो पूछा जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मर्जर के लिए अप्रूवल दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन मर्ज हो रहा है. ठीक है, तो कौन हो रहा है, अलाहाबाद बैंक. कैनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक हो रहा है.
नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी. स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किसने सेटअप करने की बात कही है? महाराष्ट्र ने कही है. ए मोबाइल तत्पर ऐप लॉन्च की गई किसके द्वारा की गई ये पूछा गया है, तो दिल्ली पुलिस ने ये ऐप लॉन्च की थी. फाइनेंस मिनिस्टर एन सीतारमन अनाउंस दैट ऑल शेड्यूल्ड बैंक वुड होल्ड गैदरिंग्स इन ए टोटल ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट फॉर लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस. तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये बात कही गई थी, तो आंसर है आपका 400 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर सच डोमेस्टिक कंपनीज हैज़ बीन रिड्यूस टू 10% इंक्लूसिव ऑल सरचार्जेज एंड सेस. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी थी, ठीक है, तो कौन सी कमेटी थी वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. अब ये कितना कर दिया गया है, 22% कर दिया गया है, और पहले कितना था ये भी बताइएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चांसेस है पूरे पूरे आने के इसके. नेक्स्ट है डैश अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टेड बाय निर्मल चंद्र डंडरियाल बेस्ड ऑन द स्ट्रगल ऑफ फार्मर. स्ट्रगल ऑफ फार्मर के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, उसको नॉमिनेट किया गया ऑस्कर के अंदर. तो कौन सी फिल्म थी, इसका मतलब नाम क्या था आपसे ये पूछा गया है, तो मोती बाग इसका नाम था. सेबी हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय डैश टू सजेस्ट द नॉर्म्स फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज. इसात हुसैन कमेटी बनाई गई है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 2020 एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आंसर आएगा तेलंगाना. एलिसन रोज हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. तो आंसर है RBS बैंक. अब RBS बैंक कौन सा है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड. नेक्स्ट है नास्कॉम्स डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट अभियान. डिजिटल पेमेंट अभियान के लिए किसके साथ टाई अप किया गया है, MEITY एंड गूगल इंडिया, इन्होंने नास्कॉम के साथ मिलकर टाई अप किया है. नेक्स्ट है रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग हब एट डैश फॉर फार्मर्स. फार्मर्स के लिए कहाँ पे हब सेटअप किया गया, आंसर आएगा आपका हैदराबाद के अंदर. विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चैंपियंस कैंपेन अगेंस्ट डेंगू. तो आंसर आएगा दिल्ली. दिल्ली में आपने वो सुना होगा, एक हैशटैग चला था 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट ऐसे करके कुछ था. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल कमीशन द न्यूली बिल्ड AMFI की फुल फॉर्म क्या बनेगी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं, नीलेश शाह जी. विच गवर्नमेंट स्कीम इज सेट टू ऑफर टेली कंसल्टेशन सर्विसेज टू इट्स बेनिफिशियरीज रिसेंटली. तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर टेली कंसल्टेशन सर्विसेज दी जाएंगी. हु रिसीव्ड 2019 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड. ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसने जीता, नरेंद्र मोदी जी ने. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू IMF MD. IMF के नए MD कौन बन गए हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. विच बैंक लॉन्च अ को ब्रांडेड फ्यूअल कार्ड इन पार्टनरशिप विद IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर को ब्रांडेड कार्ड किसने लॉन्च किए हैं, HDFC बैंक ने. विच इंडियन एथलीट ऑनर्ड विद IAAF वेटरन पिन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स. तो आंसर क्या बनेगा आपका, PT उषा. व्हाट इज द थीम फॉर 2019 वर्ल्ड टूरिज्म डे. तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया कब जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी, टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल. टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल. विच इंडियन स्टेट इज अवॉर्डेड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशियंट यूज प्रैक्टिसेस बाय नेशनल वाटर कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आंसर बनेगा आपका राजस्थान. Which country signed a 2500 crore MOU with India targeting business ties in the field of rubber products and construction materials? Answer banega aapka Thailand. Defense Minister Rajnath Singh launched Navy's first new stealth frigate INS. अब INS का नाम बताना है, पहले हमने देखा INS कांडहेरी और अभी देख रहे हैं हम INS नीलगिरी. International Dash Day celebrated on 30th September. 30 सितंबर को कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है. नेक्स्ट है
इंडिया डिफीटेड विच नेशन बाय इन द फाइनल ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप टू लिफ्ट द टाइटल. आंसर है बांग्लादेश. बांग्लादेश को हरा दिया इंडिया ने. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज PIB. PIB की जो कंपाइलेशन आती है वॉलीबॉल की, वो जरूर पढ़िए करें, ठीक है, जरूर पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद फॉलो किया है, ठीक है. PIB की जब भी कंपाइलेशन तैयार होता था, मैं चलो वही पढ़ते हैं, और बहुत काम आती है ये चीज़ें. वो आपको पढ़ने में बोर करेगी, लेकिन नॉलेज उसी के अंदर होता है पूरा. ये चीज़ें जो अब आपको करवा रहे हैं, हम एक एक लाइन के करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इसका पूरा डिटेल में दिया जाता है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है. तो टाइम चाहिए आपको उसको पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानता हूँ मैं, वो बोरिंग हो सकता है, लेकिन स्कोरिंग ज़रूर है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, KS धतवालिया PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, KS धतवालिया. विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव एन ऑफिस इन ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया. ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ऑफिस कौन खोलेगा, SBI खोलेगा. SS मल्लिकार्जुन राव हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO MD ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक. तो आंसर बनेगा आपका PNB. गो एयर हैज सक्सेसफुली टेस्टेड टैक्सी बोट अ सेमी रोबोटिक पायलट ऑपरेटेड टो व्हीकल एट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट. कौन से एयरपोर्ट पे ये इनोग्रेट किया गया, आप ये कह सकते हैं सक्सेसफुली टेस्ट किया गया टैक्सी बोट को. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है. इन द रिसेंटली रिलीज स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये पूछा जा सकता है कौन लॉन्च करता है, कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को, ठीक है. तो किसने टॉप किया ये पूछा जा रहा है, आंसर बनेगा चंडीगढ़. अगर टॉपर पूछता फिर आप कहते चंडीगढ़ एंड केरला दोनों, ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरी पूछा तो आप चंडीगढ़ लगा रहे हैं इस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन हैज टॉप्ड द रेलवेज क्लीनलीनेस सर्वे 2019. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन. हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बैग द मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड. स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड मोस्ट इफेक्टिव सचिन तेंदुलकर जी को मिला. SEBI एज पर अक्टूबर 2019 नोटिफिकेशन हैज अलाउड म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड नॉन NCD बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अप टू अ मैक्सिमम ऑफ डेस्ट डेट पोर्टफोलियो. तो आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है, आंसर है 10%. PM मोदी has set a deadline to achieve target of eradicating single-use plastic from India by. कब तक पूरा इरेडिकेट कर दिया जाएगा ये पूछा जा रहा है, आंसर है 2022. Recently, President रामनाथ कोविंद has conferred व्योश्रेष्ठ सम्मान 2019 which was instituted by which ministry, ये पूछा गया है आपसे. तो आंसर बनेगा आपका Ministry of Social Justice and Empowerment. What is the current repo rate? एज पर फोर्थ बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू. तो ये भी देखना है कि फोर्थ पूछ रहा है कि थर्ड पूछ रहा है कि सेकंड पूछ रहा है, ठीक है, वो क्या पता थर्ड पूछ ले, आप बस लेटेस्ट बस क्लिक करके आ जाए वहाँ पे, ठीक है. तो आंसर बनेगा आपका 5.15. द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड प्रकाश पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग कोल सप्लाई टू पावर प्लांट इन न्यू दिल्ली. प्रकाश में एच का मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे. तो प्रकाश का मतलब क्या है, पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी. तो आपसे क्या पूछा, एच का मतलब पूछा था हार्मनी. विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू गवर्नेंस इनिशिएटिव नेम्ड मो सरकार. आंसर बनेगा आपका ओडिशा, ठीक है, और ओडिशा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक, चलिए देखिए नाम निकल गया मुझसे, बेन स्टोक है इसका आंसर. बेन स्टोक हैज बीन वोटेड प्रोफेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर. बेन स्टोक को आप सभी जानते होंगे, आई होप, अच्छे प्लेयर हैं. नीति आयोग एंड विच UN ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया लॉन्च्ड यूथ को लैब. यूथ को लैब नीति आयोग ने किस UN आम बॉडी के साथ मिलकर लैब खोली है ये आपसे ये पूछा जा रहा है. तो आंसर है UNDP, ठीक है. इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इंडिया का कहाँ पे खुला, भोपाल के अंदर. वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 कहाँ पे हुई, दोहा कतर के अंदर. फेस्टिवल ऑफ फूलपति, फेस्टिवल भाई याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेला खीर भवानी भी इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल ऑफ फूलपति भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये कहाँ मनाया जाता है, नेपाल के अंदर. What was the 2019 theme of World Habitat Day? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मनाया कब जाता है World Habitat Day.
फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, कोई डेट नहीं है, फर्स्ट मंडे जब आएगा अक्टूबर का तब ये मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या थी? फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एज एन इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट टू हेल्थ, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ द अबव आंसर बनेगा आपका। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिजीनियस पीपल बाय यूनेस्को, तो आंसर आपका बनेगा यलिट्जा एप्रेसियो, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है। हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, नोबेल प्राइज की मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी है, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला ये पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको ट्रिक करवाई थी, आप नोबेल प्राइज ओली वो ट्रिक लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। तो फिजिक्स की क्या ट्रिक थी कि मैं और दीदी पीपल तरह फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैं और दीदी, मैं और से मेयर, दीदी से डीडियर, और पीपल तले मतलब फर्स्ट ऑप्शन बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉन द एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट, अब यहाँ पे फिजिक्स कराएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स ही करना है, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स सब करके जाइएगा। ठीक है, हु वॉन एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड बाई UNEP, UNDP क्या है? डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो आंसर क्या बनेगा आपका? फोर्थ ऑप्शन, रमेश पांडे। RBI रिसेंटली रिजेक्टेड द विच अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड मर्जर्स, कौन से मर्जर को कैंसिल करने की बात कही है RBI ने? आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक एंड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, आप इस इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कमेंट करके बताइएगा। रिसेंटली लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल्स अपना जान पाए टैलेंटेड स्टूडेंट्स, उनके लिए कौन सी स्कीम जारी की है HRD मिनिस्ट्री जी ने, मिनिस्टर ने? तो नाम क्या था? ध्रुव तारे पे था इनका। ठीक है, ध्रुव नाम का इन्होंने लॉन्च किया है, एवरी स्टूडेंट टू बी कॉल्ड ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आपको पता होगा, जिसके लिए यह माना जाता है कि वो अपनी जगह कभी नहीं बदलता, और उसी को देख के ही जो समुद्र के अंदर मछुआरे या कोई भी नाविक होते हैं वो अपना रास्ता ट्रेवल करते थे जब GPS वगैरह सिस्टम नहीं होता था। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड गार्बेज कैफे टू प्रोवाइड फ्री मील इन एक्सचेंज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, कहाँ पे ये गार्बेज कैफे खुला है? तो आंसर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर। विच इंडियन स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग ए सिटी वॉक फेस्टिवल इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म, आंसर बनेगा आपका मध्य प्रदेश। गवर्नमेंट लॉन्च सुमन इनिशिएटिव रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, सुमन इनिशिएटिव जो है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है? आंसर बनेगा आपका हेल्थ से। फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। विच इज फर्स्ट कंट्री टू बैन एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्जरी ड्रिंक्स, सॉरी सुगरी ड्रिंक्स, सिंगापुर ऐसा इनिशिएटिव लेने वाली पहली कंट्री बन गई है। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड विजन इम्प्रूवमेंट स्कीम कांति वेलुगु किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। डैश एंड BNP परिवास हैव डिसाइडेड टू मर्ज देयर एसेट मैनेजमेंट यूनिट्स, AMUs जो दो हैं उन्होंने डिसाइड किया है मर्जर का, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट यूनिट्स का। तो किसने? एक तो BNP परिवास है और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट कोलकाता इन नवंबर 2019, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कोलकाता के अंदर होगा, कौन सा एडिशन होगा इसका आपसे ये पूछा जा रहा है? तो आंसर है फिफ्थ एडिशन होगा। इंडिया जापान ने मिलिट्री एक्सरसाइज की मिजोरम के अंदर क्या नाम था उस एक्सरसाइज का? अगर नाम याद ना हो तो सब देख लीजिए कि वरुण किसके साथ होती है, हैंड इन हैंड तो किसके साथ होती है, गरुड़ शक्ति किसके साथ, धर्मागार्जन किसके साथ, तो आपको पता चलेगा कि धर्मागार्जन ही आपका आंसर है। ठीक है, RBI हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिपोर्टिंग सिस्टम कॉल्ड CISBI फॉर ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स दैट डज सॉरी व्हाट डज सेकंड आई मीन्स इन CISBI। CISBI का मतलब ये नहीं है कि SBI ने लॉन्च किया है, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए CISBI की क्या बनती है। तो फुल फॉर्म है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया सी का मतलब क्या है तो सेंट्रल बोलेंगे, और आई का मतलब पूछा गया है तो आप बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज न्यू BCCI प्रेजिडेंट, BCCI के नए प्रेजिडेंट कौन बने हैं? बहुत न्यूज़ में भी थे, सौरव गांगुली। विच अमंग द फॉलोइंग बुक जॉइंटली वोन बुकर प्राइज, बुकर प्राइज कौन सी बुक को मिला? अब हमने राइटर तो याद कर लिए थे, ठीक है, ओल्गा टोकारजुक, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता बुक कौन सी थी, तो बुक भी याद करनी है। ठीक है,
सलमान रुश्दी की जो क्विक छोटे थी वो नहीं जीत पाई थी, लेकिन वो नॉमिनेटेड बुक्स में से जरूर थी। आंसर बनेगा आपका द टेस्टामेंट एंड गर्ल वीमेन अदर। ठीक है, दो लोगों को ये मिला था, हाफ हाफ इन्होंने पैसे बांट लिए अपने। जीडीपी आपको मैंने वीडियो के अंदर करवा दिया है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, आंसर बनेगा आपका 102। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप्ड इन फर्स्ट एवर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी के अंदर किस स्टेट ने टॉप किया ये पूछा गया आपसे, तो सिक्किम ने टॉप किया है नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर। और अगर ओवरऑल टॉपर पूछा जाए आपसे तो कर्नाटका आप आंसर लगाएंगे। विच कंट्री मस्ट है लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर सक्सेसफुल स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट। हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट के अंदर लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन बन के आई है, कौन सी कंट्री बन के आई है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर बनेगा आपका चाइना। हु वॉन एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप दैट हेल्ड इन यूएई। यूएई के अंदर होने वाले एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप को किसने जीता, तो आंसर बनेगा उज्बेकिस्तान ने। विच इंडियन स्टेट स्पेंट हाइएस्ट ऑन अर्बन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय केयर रेटिंग। केयर रेटिंग ने कहा है कि सबसे ज़्यादा पैसे इस स्टेट ने लगाए, तो उस स्टेट का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो नाम है तेलंगाना। तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए। हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ IBA। IBA के चेयरमैन कौन बन गए हैं और पहले कौन थे, और ये भी इम्पोर्टेंट होता है IBA, क्यों, क्योंकि जब आप बैंक में लग जाएंगे तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी, क्योंकि वेज रिवीजन या जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं वो इन्हीं के थ्रू होते हैं, इन्हीं के थ्रू। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, इनके चेयरमैन कौन बन गए हैं IBA के, तो रजनीश कुमार, जो कि SBI के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो पॉपुलेटेड सिटी पूछा जा रहा है आप, तो ये तो गलत बात हो गई ना, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ लगा लीजिए, यहाँ पे पॉपुलेटेड नहीं मोस्ट पॉल्यूटेड पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, लोनी। और कहाँ पे है ये, गाजियाबाद के अंदर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, तो इनका नाम क्या है, ये IPS ऑफिसर हैं, अनूप कुमार सिंह। ठीक है, अनूप कुमार सिंह। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर ये ना लिखते यहाँ पे तो भी आपको पता होना चाहिए FATF का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, श्रीलंका को रिमूव कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से। सिंक्रोनी हैज अग्रीड टू लॉन्च को ब्रांडेड वेनमो क्रेडिट कार्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। कौन सी कंपनी के साथ मिलकर ये अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे, पेपल के साथ। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड वीडियो कॉलिंग सर्विस आई सर्व किसने लॉन्च किया है, बजाज अलायंस ने। ठीक है, हु हैज़ बीन स्वॉन इन टू प्रेजिडेंट्स ऑफिस ऑफ इंडोनेशिया फॉर सेकेंड एंड फाइनल 5-year टर्म। नाम आपने पहले भी सुना होगा, जोको विडोडो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट, अब इसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द बुक ब्रिड डिजिटल नेशन। ऑथर कौन है इस बुक के, मैंने आपके ऑथर की जो वीडियो लेके आया हूँ SSC चैनल के ऊपर, वहाँ से आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखी किसने है बुक, ये पूछा जा रहा है। इसकी फर्स्ट कॉपी रतन टाटा जी को भेंट की गई थी, और लिखा किसने है इसको, N चंद्रशेखरन ने एंड रूपा पुरुषोत्तम जी ने, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आप अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव, तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDFs प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सर्च कीजिए ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक, टेलीग्राम के अंदर सर्च करेंगे आपको ग्रुप मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।